हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप देख सकते हैं ये क्या है, सोया चंक्स। सोया चंक्स जो होता है वो प्रोटीन एंड विटामिन से भरा हुआ होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है सोया चंक्स के पुलाव। तो आप भी इसे घर पर ट्राई करें। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो क्यों ना आप इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और मेरे चैनल सुज्जू फूड एंड फन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाए ये। तो सोया चंक्स पुलाव के लिए मैंने लिया है सोया चंक्स। यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है कर्ड, जो कि हाफ कप से थोड़ा कम है। फिर यहाँ लिया है मैंने टर्मरिक हल्दी, ये हाफ टी स्पून है। यहाँ सॉल्ट, यहाँ रेड चिली पाउडर जो कि आपका कलर के लिए है। फिर मैंने इसे सोया चंक्स को मैंने हॉट वाटर में यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए मैंने डाल के रखा है। 15 मिनट्स के बाद हम इसे स्क्वीज करके निकाल के इसे मैरिनेट करते हैं। चलिए 15 मिनट्स हो चुका है, अब हम क्या करते हैं इसे स्क्वीज करके, अब ये ठंडा भी हो गया है तो इसे स्क्वीज करके चंक्स को हम इसमें एक बाउल पे निकाल देते हैं। और इसके बाद आप क्या करें, इसमें डालें आप कर्ड। कर्ड के बाद आप डालें इसमें सारे मसाले जो मैंने बताए थे, सॉल्ट, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर, सब डाल देते हैं इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और सारा कुछ मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं। अब मैं इसे कुछ 10 टू 15 मिनट्स मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और चलिए अब हम राइस बनाने के प्रोसेस को देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बासमती राइस आप लेंगे। और बाकी यहाँ पे मैंने लिया है सिनेमन, सिनेमन क्लोव्स, जीरा, और यहाँ पे लिया है मैंने इलायची और यहाँ पे लिया मैंने बे लीफ। तो ये सब आपके राइस के लिए, पुलाव के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। और बाकी यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आप लेंगे पुलाव के लिए। बाकी और चीज़ों की जो आपकी ज़रूरत है वो है आपको चिलीज, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चिलीज लेंगे। मैंने यहाँ पे एक चिली का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टोमेटोज और एक बड़ा सा अनियन। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चिली का टेस्ट, चिली जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। बासमती राइस को मैंने यहाँ पे वाटर में वॉश करके यहाँ कुछ अराउंड 15 मिनट्स ये छोड़ के रखा हुआ है। तो जब हम कुकिंग करेंगे 15 मिनट्स के बाद कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है, गैस हाई पे है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 टीस्पून, ये छोटा सा मेरा टीस्पून है, इस पर मैंने लिया है ऑयल। 4 टीस्पून ऑयल लिया है मेरे 2 कप्स राइस के लिए, मैंने 4 टीस्पून ऑयल लिया है। और मैंने लिया है 1 टीस्पून घी, 1 टीस्पून घी लिया मैंने। अब थोड़ा सा ऑयल हीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ अनियंस, देते हैं हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है थोड़ा जितने मैंने आपको बताया था, सिनेमन क्लोव्स, जीरा, बेली, सारा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसे थोड़ा सा हम अच्छे से गैस मीडियम पे ही रखें। बाद में डालूंगी इसमें थोड़ा सा मैंने कट करके रखा हुआ है जो ग्रीन चिलीज, वो डाल देते हैं। डालने के बाद ये थोड़ा फ्राई होने के बाद आप इस पे डालेंगे ये देखो
देखो मैंने यहाँ पे रखा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट इस पे डाल देते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ में डालते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं हम 2 मिनट्स के लिए। इसे अच्छे से फ्राई कर लें। मैं कह नहीं सकती इतना अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही खतरनाक सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालें थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, और मैं थोड़ा सा शुगर, पिंच ऑफ शुगर डालती हूँ, तो ये डाल दिया इसमें। अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा सा ये फ्राई होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो थोड़ी सी कच्चेपन हो जाने के बाद आप क्या करें, इसमें जो मैंने यहाँ पे टोमेटो रखा है, आप देख सकते हैं टोमेटो रखा हुआ है, वो टोमेटोज इसमें आप डाल दें। टोमेटोज डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से थोड़ी देर फ्राई होने के लिए रखें। जस्ट 2 मिनट बस, थोड़ा सा अच्छे से। कैसी खुशबू आ रही है बताओ? अच्छा ही है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ था ये सोया चंक्स, इसको हम इसमें अब डाल देंगे। सारा सोया चंक्स हम इसमें अच्छे से डाल देते हैं और इसे अब थोड़ा सा फिर से सौते करते हैं। फ्रेंड्स, गैस को थोड़ा सा आप स्लो कर दें और इसे थोड़ा कुक होने दें। इसके बाद हम इसमें राइस डालेंगे। राइस का पानी निकाल दें, आपने जो भिगा के रखा था राइस उसका वाटर आप निकाल दें और उसके बाद हम इसमें बासमती राइस डालेंगे। ये थोड़ा सा कुक होने के बाद मैं इसमें अब थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा मिंट लीव्स डालती हूँ। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें कोरिएंडर और मिंट को। इसके बाद आप क्या करें, इसमें जो आप राइस है उस राइस को हम इसमें डाल देंगे। अब क्या करें, इसे अच्छे से राइस को मिला लेते हैं। आहा, क्या खुशबू, सुपर खुशबू है। चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद, ज्यादा ना मिलाएं राइस नहीं तो टूटने के चांसेस हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है आप देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा 2 सेकंड्स के बाद हम इसमें डालते हैं वाटर। अब इसमें हम थोड़ा अब वाटर डालेंगे। मैंने 2 कप्स के लिए वाटर के लिए मैंने लिया है 3.5 कप वाटर। अब कुकर को बंद कर देते हैं और 2 विसल्स के लिए इसे हाई पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये तैयार है। चलिए इसे अब हम डिश आउट करते हैं। मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको बहुत 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 आप लोगों को मिस कर रही हूँ। काश आप यहाँ पे होते, आप लोग तो मुझे बताते कि कितनी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसे अब डिश आउट तो मैंने कर लिया है। तो कितने खिले खिले से राइस हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलाव कितना अच्छा से बना हुआ है। आप भी इसे घर पर ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने यहाँ रायता लिया हुआ है, जो क्यूकम्बर रायता मैंने लिया है। इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे आप ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। बी सेफ,
और अपने परिवार का ख्याल रखें।